हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की महासीरीज, जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो उससे भी पहले, अगर आप चैनल फिटनेस पाठशाला पे नए हैं, चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए देर न करके हम बात करते हैं फर्स्ट वन क्वेश्चन की आज का, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल नीड ऑफ ए पर्सन। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका हंगर। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? हंगर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, स्ट्रेस इज द एबिलिटी ऑफ ए मसल्स टू एग्जर्ट फोर्स इन ए सिंगल मसल्स कॉन्ट्रेक्शन और टू ओवरकम रेजिस्टेंस। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका क्या होगा यहाँ पे? स्ट्रेंथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप, आइडेंटिफाई द आसना। यहाँ पे आपको आसना का नाम बताना है। तो यहाँ पे जैसा कि पिक्चर्स में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, क्या है ये? नाड़ी शोधन। कौन सी प्राणायाम है ये? नाड़ी शोधन प्राणायाम है आसनाज में। देन फोर्थ वन क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, इन दिस डिफॉर्मिटी देयर इज नो आर्क इन द फुट एंड द फुट इज कंप्लीटली फ्लैट। इट इज क्या कहलाता है स्टूडेंट? फ्लैट फुट। तो नेक्स्ट पेज पे इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे आप क्या बोलेंगे इसको हम? फ्लैट फुट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्लैट फुट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो की है एसर्शन रीजन से रिलेटेड, यहाँ पे दिया गया है बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग सिस्टम। रीजन बताया जा रहा है इन स्विमिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ रिएक्शन इज यूटिलाइज्ड। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन सिक्स वन की बात करें, एसर्शन दिया जा रहा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंस्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स डाइट। रीजन बताया जा रहा है मिनरल्स एंड विटामिन्स आर इंक्लूडेड इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा दिए गए ऑप्शन में से वो ऑप्शन डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, जो की है ए इज पास बट आर इज टू। जिन कुछ सॉरी कुछ स्टूडेंट, ये जो राइट आंसर होगा ये किसका है आपका? सी का, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन एवन टू वन क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ मेनी कंपोनेंट टूगेदर डिटरमाइंस फिजिकल फिटनेस। तो कितने फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट? यहाँ पे हो जाएंगे आपके फाइव, ऑप्शन बी। तो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स की बात करें यहाँ पे, तो देर आर फाइव कंपोनेंट दैट डिटरमाइन फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेंथ स्पीड एंड्योरेंस फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज ना। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट डज पुशअप मेजर इन खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट बैटरी ऑफ टेस्ट। तो क्या करता है यहाँ पे? ऑप्शन सी जो है आपका वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपर बॉडी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वन एसेसमेंट रीजन टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर नाइन, जो कि है आपका कमिटीज आर फॉर्म फॉर सिस्टमैटिक एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ द टूर्नामेंट। रीजन बताया जा रहा है द कमिटी मेंबर्स आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर टू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर टेन की, यहाँ पे द टोटलिटी ऑफ सेंटीमेंट्स एटीट्यूड आइडियाज हैबिट्स स्किल्स एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? क्या कहलाएगा? पर्सनैलिटी। यहाँ पे ऑप्शन ए अगेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है क्या कि 5 to 8 years एक्साइट एक्साइट स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पेजेस पे हम देख लेते हैं यहाँ पे,
9 to 18 years और हेमिस्टिंग मसल्स उसके सामने सीट एंड रीच टेस्ट कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस 600 मीटर रन। तो यहाँ पे सही आपको क्या करना है एक दूसरे के साथ मैच करना है। तो जो राइट कोड है आपका यहाँ पे उसको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इसका राइट मैचिंग कोड हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी। देन उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 12। टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट व्हेन टोटल नंबर ऑफ टीम्स इज ऑड, व्हिच फार्मूला इज यूज्ड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं है ना, टोटल नंबर ऑफ टीम को किससे यूज करते हैं हम, है ना, एन से। तो एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा अगेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ व्हेन द नंबर ऑफ टीम्स इन ऑड एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, इन द प्लेसमेंट ऑफ बाईस फोर्थ बाई इज गिवन टू होम, फोर्थ बाई किसको दी जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ। द फोर्थ बाई इज गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ एज पर बाई डिस्ट्रीब्यूशन रूल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका, आप दिए गए ऑप्शन में से देख सकते हैं स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लें, ओबिसिटी इज ए कंडीशन इन विच द पर्सन वेट्स इज मोर देन द नॉर्मल वेट, क्या है मोर देन की बात करें 20% एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन ए पर्सन वेट 20% मोर देन द नॉर्मल वेट इन हिज एज ग्रुप ही और सी इज कॉल्ड ओबेस, है ना। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, द वर्ड पर्सनालिटी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना, पर्सोना से लिया गया जिसका मतलब होता है मास्क या मुखौटा। पर्सनालिटी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या करना है आपको, मैच करना क्रिएट्स एंटीबॉडी प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एसेंशियल फॉर बोन्स एंड टीथ एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग हीमोग्लोबिन, देन इधर दिया गया फैट कैल्शियम आयरन प्रोटीन। तो इसको आपको क्या करना है, कोडिंग करना था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं पहले इसको सही मैच कर देता हूँ। फर्स्ट का क्या हो जाए प्रोटीन क्रिएट, देन उसके बाद सेकेंड का क्या हो जाए प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, क्या करेगा कौन क्रिएट कर प्रोटेक्ट करेगा फैट। देन उसके बाद थर्ड वन का यहाँ पे हो जाएगा एसेंशियल फॉर बोन्स एंड टीथ, किसके लिए एसेंशियल है स्टूडेंट, यहाँ पे भी कैल्शियम। देन उसके बाद हीमोग्लोबिन आयरन से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो राइट कोड बनेगा आपका वो बनेगा ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है मैच द फॉलोइंग अगेन। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको आंसर ही बताता चल रहा हूँ। यहाँ पे जो चेंजेस इन द नर्वस सिस्टम, चेंज इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लॉस इन सेंसर, देन चेंज इन द बोन डेंसिटी, कैल्शियम डिफिशियंसी, स्लो रिएक्शन टाइम, रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट, लॉस ऑफ हियरिंग। तो इसका आपको अगेन आपको इसी तरीके से मैचिंग करना है। तो जो राइट मैचिंग होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ दिए गए कोड में से ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या है द बॉडी विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ कंस्टेंट लीनियर वेलोसिटी अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स इट इज, इसमें दिया गया आपको बताना है कौन सा है ये, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑप्शन ए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट द सेम ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्सिया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन है आपको आइडेंटिफाई द आसनास जो कि पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चन है आपका,
तो ये क्या कहलाएगा, पवन मुक्तासना। यहाँ पे कौन सा आसन परफॉर्म किया जा रहा है, पवन मुक्तासना। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। यहाँ पे थर्ड वन जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिएटिंग स्पेशल क्लास रूम। यहाँ पे क्रिएटिंग ऑप्शन बी जो होगा स्पेशल क्लासरूम। तो थोड़ा सा इसको मैं और आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। CWSN should be treated equally so that they don't feel low esteem before others, hence they require inclusive classroom, not separate, ना? Then fourth one, यहाँ पे बात करें questions की, privilege given to a team that exempts it from playing in the first round is क्या कहलाएगा, बाई। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा स्टूडेंट बाई राइट आंसर हो जाएगा। बाई इज ए प्रिविलेज दैट अलाउड ए टीम टू गेट एन एंट्री इन सेकंड राउंड विदाउट प्लेइंग इन फर्स्ट राउंड। देन फिफ्थ वन क्वेश्चन, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर ले यहाँ पे अब हम, वो क्या है स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेशन रीजन टाइप का, एसेशन रीजन टाइप का जो क्वेश्चन है एसेशन दिया जा रहा है बाई एग्जेम्पशन टीम्स फ्रॉम प्लेइंग द फर्स्ट राउंड। रीजन बताया जा रहा है, शॉर्टनिंग ऑफ द टीम्स इज मेड जस्ट लाइक ए स्टेयरकेस एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विथ एन इवन और ऑड नंबर ऑफ टीम्स। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो 61 है, स्पेस इज द पोस्टरियर डिफॉर्मिटी इन विच बोथ द नीज टच ऑफ ओवरलैप ईच अदर इन ए नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। तो क्या कहलाता है ये, नॉक नी। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है स्टूडेंट नॉक नी वो राइट आंसर हो जाएगा। नॉक नी इज ए डिफॉर्मिटी इन विच बोथ नीज नॉक ईच अदर। तो क्या होता है कि दोनों घुटने आपस में जिसमें टकराते हैं अंदर की तरफ नॉर्मल खड़े होने पे भी उसको हम नॉक नीज बोलते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया जा रहा है अगेन एसेशन रीजन टाइप का, एग्रेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ स्पोर्ट्स और एक्टिविटी। रीजन बताया जा रहा है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ एग्रेशन इज ए मस्ट टू परफॉर्म इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो होगा बोथ ए एंड आर आर टू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं इसको मैं, तो लाइक बॉक्सिंग वी नीड टू मोर एग्रेसिव एंड इन क्रिकेट बी यूजिंग वर्बल एग्रेशन लाइक स्लेडिंग। यहाँ पे ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर वो क्या है, बी आपका। नंबरिंग क्वेश्चंस की थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे है स्टूडेंट, नंबरिंग सही नहीं है बट क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जगह से कलेक्ट करके मैं इसको लेके आया हूँ स्पेशली आपके लिए। तो इसको बहुत अच्छे से बहुत केयरफुली आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, कमिंग बोर्ड एग्जाम में ये पूछे ही जाने वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, वॉट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया फिटनेस असिस्टेंट प्रोग्राम। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव बताना है, तो इसका क्या है, एम फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे अगेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन, एंड्योरेंस इज डिटरमाइंड बाय विच फिजियोलॉजिकल फैक्टर। तो नाइन्थ का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा एरोबिक कैपेसिटी। ऑप्शन ए, एरोबिक कैपेसिटी इज ए मेजर फैक्टर इन डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। दी नेक्स्ट वन क्वेश्चन एसेशन रीजन, एसेशन है करेक्ट बॉडी पोस्चर इज द पोजीशन ऑफ द बॉडी होल्ड विदाउट एनी सेंस ऑफ एफर्ट। रीजन बताया जा रहा है, द बॉडी वेट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बोथ लेग। जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगेन ऑप्शन बी जो है यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन,
इन द लॉन्ग जंप टेक ऑफ विच लॉ वर्क, यहाँ पे बताना जब हम लॉन्ग जंप करते हैं स्टूडेंट तो कौन सा लॉ वहां पे वर्क करता है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो यहाँ पे काम करता है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स वर्क इन केस ऑफ द लॉन्ग जंप। देन उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको मैं पहले टिक कर देता हूं आपका, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नहीं है, तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए रनिंग फास्ट जो होता है वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नहीं होता, रनिंग फास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज स्टूडेंट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट्स, तो यहाँ पे हेल्पफुलनेस जो है ऑप्शन बी आपका वो पर्सनालिटी ट्रेट्स का बिग फाइव ट्रेट्स का पार्ट नहीं, हेल्पफुलनेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीक पिक्चर मेथड, तो यहाँ पे लेडर मेथड जो है ये लीक पिक्चर मेथड का नहीं है, ऑप्शन डी द लेडर मेथड इज नॉट यूज इन ए लीक पिक्चर स्टेयर के, साइक्लिक एंड ट्यूबुलर मेथड्स आर डिफरेंट मेथड्स फॉर डिसाइडिंग द प्रोसीजर ऑफ लीक पिक्चर, इन ए स्टेयर द पिक्चर इज मेड लाइक ए लेडर, इन द साइक्लिक मेथड टीम्स आर अरेंज इन ए वे एंड दे मूव इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो साइक्लिक मेथड में क्या होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं टीमें, इन द टेबलर मेथड टीम्स आर अरेंज इन ए टेबल, तो एक टेबल के सीक्वेंस में अरेंज होती है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें अब हम यहाँ पे, तो सुखासना शुड बी अवॉइडेड इन, किसमें हमको अवॉइड करना चाहिए सुखासना को, नौकनी में, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, इफ समवन इज हैविंग नी इंजरी दे शुड अवॉइड सुखासना बिकॉज इट लेज स्ट्रेस ऑन नीज। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, अगेन आपको क्या करना है यहाँ पे मैच करना है एक राइट ऑप्शन के साथ दिए गए कोड को, कोड के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे 600 रन एंड वॉक है वो क्या है स्टूडेंट एरोबिक कैपेसिटी, जिन सिट एंड रिच है वो क्या करेगा फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करेगा, देन पुशअप क्या है वो मेजर करेगा अपर बॉडी मस्कुलर स्ट्रेंथ को, देन 4×10 मीटर सेटल रन वो आपका एजिलिटी को, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये आपका राइट कोड इसका मैचिंग हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 17 है मैच द फॉलोइंग, अगेन आपको ब्रिटिश मेथड दिया गया अमेरिकन मेथड दिया गया, टू टीम्स हैव इक्वल पॉइंट्स मैच इन इन ड्रॉ, तो यहाँ पे सारी चीजों को आपको क्या करना है अगेन आपको राइट कोड के साथ मैच करना है यहाँ पे, तो जो राइट कोड है यहाँ पे आपको दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी, इसे मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे आपको ऑप्शन बताता चल रहा हूँ, अदरवाइज वीडियोज बहुत लंबे हो जाएंगे तो आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा मुझे भी यहाँ पे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट और अपटेन फ्रॉम, तो मैक्सिमम आपको कार्बोहाइड्रेट हम किससे अपटेन करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे होल ग्रेन एंड फूड, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, होल ग्रेन फूड इज ए वेरी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइके, साइके किससे रिलेटेड है स्टूडेंट सोल से, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइडेंटिफाई द आसनास, तो आसनास को इसको आइडेंटिफाई करना है कौन सा आसन है स्टूडेंट दिए गए ये क्या है ताड़ासना, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी ताड़ासना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है अमंग द गिवन फिगर विच वन इज विच वन रिप्रेजेंट द फ्लैट फूट, तो यहाँ पे आपको पिक्चर में शो कर रहा हूं इसमें आपको क्या करना है पहचानना है कौन सा फ्लैट फूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर्स में
है ना, कौन सा है आपका, ये ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है ये फ्लैट फुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्पीड प्ले इज अनदर नेम फॉर विच मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है ना, स्पीड प्ले के नाम से किसको हम जानते हैं, फर्टलेट मेथड को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका वो फर्टलेट मेथड कहलाता है, फर्टलेट मीन्स स्पीड प्ले। नेक्स्ट वन फिफ्थ वन क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, एसएसएन अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सलरेशन प्रोड्यूस इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू एक्सटेंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। रीजन बताया जा रहा है, गोल्ड बॉल विल कंटिन्यू टू मूव एट ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अनलेस ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट्स ए स्लो इट डाउन और चेंज इट्स डायरेक्शन। तो राइट आंसर होगा इसका दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी, यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर टू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका एसर्शन, विटामिन्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन दैट आर इसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड वर्किंग ऑफ द बॉडी। रीजन बताया जा रहा है, विटामिन डी इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस एंड ऑल्सो अफेक्ट्स किडनी नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अगेन ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर टू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगेन यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज। इसमें बताना है कौन सा लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं एक्सरसाइज का, इंक्रीज इन हार्ट रेट। तो यहाँ पे जो आपका इंक्रीज इन हार्ट रेट, इन द लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज जस्ट रिड्यूस द हार्ट रेट, वो क्या करती है हार्ट रेट को रिड्यूस करती है, इंक्रीज हार्ट रेट। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिन नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज प्लेट टैपिंग टेस्ट मेजर इन खेलो इंडिया फिटनेस असिस्टमेंट बैटरी ऑफ टेस्ट। यहाँ पे आपको बताना है क्या मेजर करता है वो, कोऑर्डिनेशन को। दिए गए ऑप्शन में से क्या राइट है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन। देन अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि है आपका एसर्शन रीजन से रिलेटेड, एसर्शन दिया जा रहा है सीटिंग इज डन टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द नॉकआउट टूर्नामेंट। रीजन बताया जाए, इट प्रोटेक्ट द स्ट्रॉन्गर टीम्स फ्रॉम द वीकर टीम्स इन अर्ली राउंड्स। तो जो राइट आंसर होगा इसका यहाँ पे, ए इज टू बट आर इज फर्स्ट, इट इज द डेंजरस बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर टीम डू नॉट मीट ईच अदर इन फर्स्ट राउंड ऑफ एनी नॉकआउट टूर्नामेंट। तो ऑप्शन सी जो दिए गए यहाँ पे इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। The next one question, what is the equipment used for flexibility test in Khelo India Fitness Assessment Battery of Test? तो यहाँ पे बताना है कौन सा यूज होता है, जैसे कि इसको हम सभी जानते हैं सिट एंड रिच बॉक्स, है ना। तो सिट एंड रिच बॉक्स यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सीट एंड रिच बॉक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इन द टाइप ऑफ टूर्नामेंट शोन बिलो। तो यहाँ पे आपको जो स्टेयर केस मेथड दिखाया जा रहा है, जी हाँ स्टूडेंट, इसको हम स्टेयर केस मेथड बोलते हैं जो कि लीग टूर्नामेंट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कितने नंबर ऑफ मैचेस दिखाए जा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस क्या बनेंगे आप देख सकते हो दिए गए ऑप्शन में से, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 21, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 21। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल नीड ऑफ ए पर्सन। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको रिपीट मिलेगा सिंपल पेपर में भी। तो हंगर क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड है ना, हंगर इज ए बायोलॉजिकल नीड ऑफ ए पर्सन विच एग्जिस्ट इन ऑल ह्यूमंस, ठीक है। देन नेक्स्ट वन,
क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, पवन मुक्त आसना इज ऑल्सो नोन एज, ये भी आपको बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पवन मुक्त आसना बिन रिलीविंग पोज, ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पवन मुक्त आसना इज नोन एज बिन रिलीविंग पोज बिकॉज इट हेल्प इन रिलीविंग गैस फ्रॉम स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड क्योर्स कॉन्स्टिपेशन। क्वेश्चन नंबर 14 आपका अगेन रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन देख सकते हैं, टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टीम इन द अपर हाफ फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट व्हेन टोटल नंबर ऑफ टीम्स इज ऑड, ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन से ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन ये जो है एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू अपर हाफ के लिए यूज होता है, एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू लोअर हाफ के लिए, जहां पे आप टोटल नंबर ऑफ टीम एन इक्वल टू क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टीम, और एन माइनस वन क्या निकालते हैं हम इसके थ्रू टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन इसमें लीग सॉरी नॉकआउट टूर्नामेंट में। देन क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को क्या करना है, अगेन ये मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, स्पीड डिस्टेंस एज एंड जेंडर एरोबिक कैपेसिटी अदर यहाँ भी दिए गए हैं, तो इसका भी आपको क्या करना है सबका राइट कोड बताना है, तो जो राइट कोड है इसका वो क्या है ऑप्शन बी, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से क्या करना है ऑप्शन बी इसका राइट कोड हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, द इंटेंशन टू कॉज मेंटल और फिजिकल हार्म टू ए पर्सन इज कॉल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपका क्या कहलाता है कि किसी को हार्म करना यहाँ पे वो आपका कहलाता है एग्रेशन। तो एग्रेशन यहाँ पे है, एग्रेशन मीन्स डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दैट कॉज मेंटल और फिजिकल हार्म टू ए पर्सन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। देन अगेन मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको क्या करना है फिर राइट कोड को सिलेक्ट करना, तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में प्रोटीन वाटर कलर कंपाउंड डाइटिंग टीथ एंड ब्लड रिलेटेड एक साइड में दिया ग्रोथ ऑफ स्किन 60-70% ऑफ वुमेन बॉडी, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कोड दिए गए एक्सप्लेनेशन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए दिए गए ऑप्शन में से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसको बहुत ही पॉपुलर न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आता। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब यहाँ पे आपको, और उससे भी पहले स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एमसीक्यू क्वेश्चन के, मैं आपके लिए एक महा सीरीज बना रहा हूँ जो कि आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके उनकी भी हेल्प हो सके। तो अगेन देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको इसलिए रिपीटेड भी मिल सकते हैं बार बार यहाँ पे, तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट्स, तो यहाँ पे हेल्पफुलनेस जो है अगेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगेन आपको दिया गया है आइडेंटिफाई द आसनाज, तो यहाँ पे आसनाज को आइडेंटिफाई करना दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए जो होगा मंडूक आसना पिक्चर में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देन आइडेंटिफाई द लेग फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो लेग फिगर को यहाँ पे क्या करना है सबको आइडेंटिफाई करना है आपको है ना, तो यहाँ पे राइट आपको जो दिया गया है ना आपको धनुषाकार टांगे बोलेक को आइडेंटिफाई करना दिए गए ऑप्शन में से, तो दिए गए ऑप्शन में से आप ऑप्शन डी में देख सकते हैं कि आपके बोलेक पिक्चर यानी कि बाहर की तरफ जो टांगे मुड़ जाती है आपकी उसको बोलेक बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, अब आपका स्विमिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेस एक्सरसाइज, किस तरीके की एक्सरसाइज है स्विमिंग आइसोकाइनेटिक, जी हाँ राइट आंसर हो जाएगा इसका आइसोकाइनेटिक। स्टूडेंट नेसेसरी रीजन की बात कर ले, विटामिन आर कंपाउंड ऑफ ए कार्बन
दैट आर इसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड वर्किंग ऑफ द बॉडी. रीजन बताया गया विटामिन डी इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी. द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस एंड ऑल्सो इफेक्ट्स किडनी नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. तो इसका जो राइट आंसर है वो पीपीएन का ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो यहाँ पे आपका बी अगेन राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें द डैमेज टू मसल्स लिगामेंट्स एंड टेंडन इज कॉल्ड. क्या कहलाता है ये आपके टिश्यू इंजरी से रिलेटेड है. तो ये क्या कहलाता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी. आपका जो डैमेज है वो कहलाता है. थोड़ा सा और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज मीन्स डैमेज टू सॉफ्ट टिश्यूज लाइक टेंडन एंड लिगामेंट. टेंडन एंड लिगामेंट से रिलेटेड जो इंजरीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज. नेक्स्ट दिया गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल इन स्पोर्ट्स लाइक इक्विस्टेरियन. देन रीजन बताया इन दिस स्पोर्ट्स द राइडर रिमेंस इन मोशन अलोंग विद द हॉर्स. यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका सेवेंथ वन क्वेश्चन का वो होगा बोथ ए एंड आर आर टू बट आर सॉरी बोथ ए एंड आर आर टू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यहाँ पे आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर एट जो है द टेस्ट हेल्प टू मेजर द मिनिमम स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइनल एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स. इट इज क्या है किससे रिलेटेड है क्रॉस बीबर टेस्ट. यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा. किससे रिलेटेड होता है ये क्रॉस बीबर टेस्ट. इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ एक्सरसाइज दैट मेजर मिनिमम स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बैक एब्डोमिनल पीसोस एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर नाइन जो है स्टेडियम हीटर इज रिक्वायर्ड फॉर विच टेस्ट इन खेलो इंडिया फिटनेस असिस्टेंट प्रोग्राम. तो क्या मेजर करता है ये हाइट को. स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका. वैसे तो सभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट जिन क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा बार बार रिपीट कर रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. एसर्शन दिया गया है सीडिंग इज डन टू ओवरकम द ड्रॉबैक. अगेन ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है ना. तो देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा. मैं आपको यहाँ पे कर दे रहा हूँ मार्क क्योंकि देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं. The word personality is derived from the Latin word. किससे लिया गया है persona से. Already जो question से repeat हो रहे. What is the BMI range for a healthy person? Healthy person का BMI range क्या होता है student? Option C दिए गए option में से यहाँ पे right answer हो जाएगा. Then next one question से committees को मिलाना है. Committee for publicity, reception committee. तो इस तरीके से कमेटी फॉर ऑफिशियल कमेटी जो ऑन इंटेलिजेंट प्रोग्राम. तो एक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया आपको कमेटीज दी गई है. देन एक साइड में आपको क्या दिया गया है वेलकम चीफ गेस्ट उसके वर्क दिए गए फंक्शंस दिए गए हैं. तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन के साथ आपको मैच करना है तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी. इसको आप टेल कर सकते हैं. देन नेक्स्ट वन है Which methods of league tournament is shown below. तो यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है ये कौन सा methods है नीचे ये आपको बताना है. तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा methods है स्टूडेंट. ये आपका क्या कहलाता है cyclic method. इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा. The next one question match the following. अगेन आपको क्या करना है कोड की मैचिंग करना है. जो राइट आंसर है यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड मस्कुलर सिस्टम फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू ओल्ड एज. तो यहाँ पे एक तरफ इसका डिक्रीज इन द बोन डेंसिटी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज इन इंडोरेंस इंप्रूव इन द बॉडी शेप. तो ये सारी चीजें दे गई हैं. तो इसको आपको क्या करना है जो राइट आंसर होगा इसका वो क्या होगा ऑप्शन सी साथ मैच करना है. नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल नीड ऑफ ए पर्सन. तो ऑलरेडी हम लोगों ने इसको बार बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो क्या है
आपका हंगर, यहाँ पे अगेन राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है मैच द फॉलोइंग, है ना, तो इसको आपको क्या करना है, अगेन राइट कोड को सिलेक्ट करना है। तो एक तरफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट वाटर, बिल्ड इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, मेक सेल्स सॉफ्ट टिश्यूज, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दिए गए। एक राइट उसका कोड सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट जो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, दिए गए ऑप्शन में से क्या राइट कोड हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, लास्ट वन क्वेश्चन आज की वीडियो का स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में कौन सा मोस्ट हेल्पफुल है इसमें से दिए गए ऑप्शन में से, तो लुब्रिकेशन, यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाए। तो ये थे 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस की महासीरीज स्टूडेंट, जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे ही जाने हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। अगर आप वीडियो टाइम की कमी है तो आपको ऑलरेडी आंसर्स को भी मार्क कर दिया और विद इन 38 मिनट के अंदर ही, 36 मिनट में ही आपको मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। तो वीडियोज अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और फिटनेस पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।